हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अनशोल्ड रूम नाइट के बारे में अनशोल्ड रूम नाइट इन होटल्स हर होटल के अंदर सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेली वो अनसोल्ड रूम नाइट्स की है आप किसी भी अगर पूरे इंडिया में ट्रैवल करें या वर्ल्ड में ट्रैवल करें तो ऐसा कोई होटल नहीं है जिसकी हंड्रेड परसेंट ऑक्यूपेंसी है आज मैं आपके सामने जो प्रपोजल लेके आया हूँ वो मैं आपसे डायरेक्टली अगर आपका होटल है तो बेसिकली वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्किप ना करिए इसको पूरा एंड तक देखिए आपको समझ में आएगा और एक सेकेंड में आप टाइप करेंगे सुनने के बाद अनसोल्ड रूम नाइट हम पहली बार नहीं कर रहे हैं अनसोल्ड रूम नाइट हम ऑलरेडी काफ़ी होटल्स के साथ ऑलरेडी हमारी काफ़ी होटल्स का रिलेशनशिप है तो मैं आज आपके लिए प्रपोजल लेके आया हूँ कि अगर आपका होटल है अप्रोसीमेटली मैं एक आइडिया लेके चलूंगा जिससे कि आपको उससे फिर आप मैच कर लीजिएगा कि आपके रूम नाइट रूम्स कितने हैं और क्या प्रोजेक्शन होती है अनसोल्ड रूम नाइट की एवरेज साइज ऑफ होटल है चाहे गेस्ट हाउस है वन स्टार है टू स्टार है थ्री स्टार है फाइव स्टार है मैं थर्टी रूम्स को एक एवरेज लेता हूँ कोई चालीस रूम का है कोई बीस रूम का है थर्टी रूम्स के अंदर ट्वेंटी परसेंट जो रूम नाइट्स हैं वो डेली अनसोल्ड रहती हैं और इसका मतलब थर्टी परसेंट थर्टी रूम्स के में अगर ट्वेंटी परसेंट में लूँ तो सिक्स रूम नाइट्स पर डे सिक्स रूम नाइट्स इंटू थर्टी डेज थर्टी थर्टी रूम्स का अगर होटल है तो थर्टी अगर दो रूम नाइट भी अगर पर डे ट्वेंटी परसेंट की बात करूँ तो सिक्स रूम नाइट्स होती हैं सिक्स इंटू थर्टी की मैं बात करूँ तो वन एट्टी रूम नाइट जो अनसोल्ड होती है महीने में इंटू ट्वेल्व तो करेंगे तो वो टोटल नाइट्स है जो आज की डेट में आप मेरे साथ टाइप करके एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ कि पहली चीज़ तो जो अनसोल्ड है वो रात को बारह बजे एक्सपायर हो जाता है अगर रात को बारह बजे से पहले पहले आपने उसका कोई सोल्यूशन नहीं किया तो वो जिसको आप लेके चाहे आपकी 2000 की की नाइट है चाहे आपकी 3000 की है चाहे 5 की है चाहे 7 की है चाहे 10 की है वो ज़ीरो हो जाती है रात को 12 बजे के बाद तो सबसे बड़ी बात है सोचो जैसे दूध है दूध अगर रात को नहीं हमने पिया या अपने यूज़ किया तो अगले दिन वो कितना अच्छा दूध है वो सुबह ज़ीरो हो जाता है फट जाता है या किसी काम में नहीं वैसे ही रूम नाइट है रूम नाइट जब तक बारह नहीं बजे तब तक रूम नाइट बहुत काम की है और जैसे ही सोचो बारह बजते ही रूम नाइट जो आज बहुत प्रीशियस है जो हम सात हज़ार की दो हज़ार की चार हज़ार की तीन हज़ार की बेच रहे हैं बारह बजते ही हम लोग जीरो में सेटल कर लेते हैं कि ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं जीरो हो गया मैं कहता हूँ क्यों जीरो हो गया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे एक बार टाइप करके देखिए और उसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे तो उस ज़ीरो को जो रात को बारह बजे एक्सपायर हो रहा है उसके बदले मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि आप मुझसे टाइप करिए और मैं उसकी ऑक्यूपेंसी आपको देनी शुरू करूँगा अगर आप अनसोल्ड हैं तो मुझे रूम दीजिएगा अगर आप अनसोल्ड नहीं हैं अनसोल्ड आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है तो आप मुझे दीजिएगा अगर अनसोल्ड नहीं है तो मत दीजिएगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट अब हम उस अनसोल्ड रूम नाइट का करते कहें हैं हमने क्या किया रूमनेट एक्सचेंज जैसे वर्ल्ड में ऑलरेडी आर नेटवर्क काफ़ी ऐसे चल रहे हैं जो रूमनेट एक्सचेंज नेटवर्क चल रहे हैं हम इंडिया के नेटवर्क हैं हम एक बाटर कंपनी है बाटर कंपनी के अंदर बेसिकली एक होटल रूम नाइट एक्सचेंज अलग से एक पार्ट है हमारा तो हम उसमें क्या कर रहे हैं होटल रूम नाइट जो बारह बजे मैंने आपसे ली उसके बदले मैंने सपोज आपसे ऋषिकेश की रूम नाइट ऋषिकेश में है शिमला में है गोवा में है मैंने वहाँ पर आपकी रूम नाइट ली मैंने गेस्ट भेजा वो गेस्ट वहाँ रुका उसने कुछ पे नहीं किया ब्रेकफास्ट के साथ उसने रूम यूज़ किया डिनर लंच का आपको एक्स्ट्रा पे किया एक्स्ट्रा बेड का आपको डायरेक्टली कैश पे किया ब्रेकफास्ट के साथ आपने स्टे कराया उसको रूम और जो रेट है वो मेक माई ट्रिप का रेट माना जाएगा ना आपका ना मेरा क्यों उसका मैं आपको एक्जाम्पल दूंगा मेक माई ट्रिप को ही मैंने क्यों कहा है कि मेक माई ट्रिप हो चाहे बुकिंग हो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ना जिसमें कि रेट जो भी आएंगे वो वही रेट को हम मानते हैं आज मान लो वहाँ पे आपका रेट तीन हज़ार आ रहा है उसी रेट को हम मान लेंगे गेस्ट वहाँ गया रुका रुकने के बाद आपने वो रिडीम कर ली उसने तो एक रूम नाइट आपकी हमने यूज़ कर ली और वो रूम नाइट जो एक्सपायर हो जाती अगर रात को मैंने वो गेस्ट नहीं भेजा होता तो वो जीरो हो जाती उसके बदले एक्सपायरी वाली रूम नाइट जो रात को ज़ीरो हो जाती उसके बदले मैंने आपको रूम नाइट दी कहीं और की कहीं और की मतलब सपोज आपका गोवा में होटल है शिमला में होटल है तो वहाँ की ना देखें मैंने आपको ऋषिकेश की या कलकत्ता की आपको रूम नाइट दी और वो रूम नाइट नॉन एक्सपायरी है नॉन एक्सपायरी का मतलब आपने मुझे वो रूम नाइट दी वो एक्सपायर हो जाती रात को बारह बजे मैं जो दे रहा हूँ वो कभी एक्सपायर नहीं करेगी वो रूम नाइट आपकी आज की डेट में वैल्यू है एक वैल्यू जो आप चाहे खुद यूज़ करिए चाहे आप सेल करिए वो पैसे हैं आपके एक तरह से वॉलेट है वो आपका आप एक होटल जो है होटल बिजनेस में हमारा काम ही रूम बेचना है वी आर इन बिजनेस ऑफ रूम सेलिंग हम बेसिकली जब रूम सेलिंग की बात कर रहे हैं कई होटल ओर मुझसे पूछते हैं कि सर हम तो अपने होटल के आज की डेट में मार्केट करते हैं दूसरी रूम कैसे बेचेंगे मैंने बोला मेरा जो एक्सपीरियंस है जो आपके मैनेजर्स हैं जब आप एक एक, एक अपना ब्रोशर या विजिटिंग कार्ड आज बना रहे हैं आज क्योंकि आप जैसे अपना एक होटल बेच रहे हैं जब आप उस मैनेजर जब रूमरेट इकट्ठी हो जाती हैं आपके पास और आपको पता है मेरी बीस लाख की रूमरेट पाँच लाख की दो लाख की इकट्ठी हो गई हैं वो अपने आप ही मैनेजर को बोलते हैं कि सर आप पिच करना शुरू करिए वो डेफिनेटली गोवा पिच करते हैं शिमला पिच करते हैं कई ऐसे होटल ओनर्स हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया है अपने पोर्टफोलियो को बना लिया है पोर्टफोलियो मतलब एक तरह से एक चेन का रूप दे दिया है आज पालो वो पहले एक होटल ओनर थे आज सोचो उन्होंने हमसे टाइप करके एक तरह से अपनी मेंबरशिप लॉन्च कर दी वो वहाँ पे आज यूज़ कर रहे हैं चाहे मेंबर्स मेंबरशिप में लॉन्च करिए चाहे आप ख़ुद यूज़ करिए चाहे आप बेचिए वो प्रोडक्ट आपका है उसमें हम कहीं भी आपको नहीं रोक रहे आप वो पूरा कैश अपने पास रखेंगे इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ ब्रेकफास्ट के साथ आपने रूम रेंट दी है लंच डिनर का आपको कैश मिल रहा है पैटी कैश आपके पास आ रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा बेड एक्स्ट्रा बेड आठ सौ फ्लैट रेट है चाहे आप दें चाहे आप लीजिए कहीं भी आप लेंगे तो भी आठ सौ कहीं आप देंगे तो भी आठ सौ रुपये आठ सौ रुपये ब्रेकफास्ट फ्लैट रेट है एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ आज मेरे अलावा आप कहीं भी आप बहुत बड़े होटल के ओनर होंगे हो सकता है आपके सिक्सटी रूम्स हो आपका फाइव स्टार हो आपका थ्री स्टार हो आप कहीं भी ट्रैवल करिए पूरे इंडिया में और आप वहाँ जाके उसको बोलिए कि मेरा सौ करोड़ का होटल है मेरा पचास करोड़ का होटल है मेरा तीस करोड़ का होटल है मैं वॉलेट कैरी नहीं कर रहा और मेरा ये प्रोफाइल है मेरे तीन होटल हैं और मुझे एक रात अपने होटल में आराम से रहने दो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े होटल के ओनर होते हुए वो आपको एक रूम रेंट नहीं देगा बट वेन यू हैव ए टाइप विद अस मैं आपको उस एरिए में उसी टाइम आपकी रूम रूमलाइट के बदले वहां पे दूसरी रूम रूमलाइट दे दूंगा क्योंकि मेरे पास वो नेटवर्क ऑलरेडी है हमारे पास आज मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को आपको ये चीज समझाने का एक तरीका है ये कि जस्ट यू हैव यू ओन सच ए बिग होटल बट थिंग इज इफ यू डोंट हैव ए स्मार्ट बिजनेस आइडियाज स्मार्ट टाइप्स देन डेफिनेटली देर इज नो वैल्यू बट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट द वैल्यू यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ collaborations. आज इंटरनेशनल collaborations. आज आप ऐसे आर सी आई के एक बहुत सारे इंटरव्यू हैं जो शायद आपने पहले टाइप करके पूरे वर्ल्ड में ऐसे मेरे कई होटल ओनर्स हैं जिनने अपनी रूमनेट ऑलरेडी एक्सचेंज में दी हुई है वो यहाँ पे रूमनेट दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं मेरा ऑल इंडिया तो मैं मैं तो ऑल इंडिया ही कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा बट इंडिया में वी आर द स्ट्रोंगेस्ट आज, आज आप मेरे से बात करते हैं मेरे से मनाली लीजिए मेरे से शिमला लीजिए मेरे से ऋषिकेश लीजिए मेरे से गोवा लीजिए आप रेडीली मेरे को कलकत्ता कुर्ग मैं आपको इमीजिएटली कल सुबह आपने जितनी रूम रूमलाइट मेरी रिडीम करी है मैंने आपके वाउचर बनाए वी आर एक्टिंग एज ए मार्केटिंग कंपनी फॉर यू हमारे को वो बाटर में लाने के लिए रूम रूमलाइट लाने के लिए भी क्योंकि आप ऑक्यूपेंसी ला रहे हैं आपको पता है आज की डेट में कितनी टफ है ऑक्यूपेंसी बाटर में भी रूम की ऑक्यूपेंसी लाना इज नॉट ईजी फॉर अस हम उसके लिए अलग से एफर्ट कर रहे हैं हमारी टीम्स लगी हुई हैं हमने वाउचर और हम रूमलाइट बेचते नहीं हैं एज ए बाटर कंपनी हम नौ साल से बाटर कर रहे हैं आठ नौ साल से बाटर करते करते आज हमने जो बाटर का एक, एक पूरा सिस्टम बनाया है आउटडोर बाटर कर रहे हैं एडवोकेट बाटर कर रहे हैं सी ए बाटर कर रहे हैं तो आज हम उन सारे बहुचे बाटर में दे रहे हैं बाटर में देने से ऑक्यूपेंसी फास्ट मिलती है क्योंकि वी आर नॉट सेलिंग इट पीपल यूज टू गो जब जब वो जहाँ जाते हैं खाने पीने का ही खर्चा दो तो तीन तीन हज़ार का बिल आ जाता है हज़ार डेढ़ हज़ार तो खाने पीने में जब वो ब्रेकफास्ट के साथ है उससे क्या है उसमें ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है आपके यहाँ कई आप रूम खाली हैं और मैं आ गया वहाँ मैंने देखा आदमी कोई भी जाता तो देखता तो यही क्या ऑक्युपेंसी हो उस होटल की मैं वहाँ गया नॉन ऑक्युपाइड होटल इज ए नेगेटिव फीडबैक एंड ऑक्युपाइड होटल इज ऑलवेज ए गुड फीडबैक जैसे ही मैंने देखा पूरे रूम भरे हुए हैं तो एक पॉजिटिव माइंड सेटअप आया आपको भी पॉजिटिव माइंड सेटअप आया उस कहते भीड़ को देख के भीड़ आती है तो आज क्या हुआ जब हमने रिडम्पशन देनी शुरू करी तो वहाँ से बैंकुटिंग चल गई जो बंदा वहाँ गया उसने जब आपका पूरा फैसअप देखा आपकी हॉस्पिटलिटी यूज़ की उसने बोला सर मेरे को बैंक्यूटिंग आप हो सकता है बैंक्यूटिंग की इंक्वायरी आ जाए दस बिजनेस और शुरू हो है जाते हैं आज, आज की डेट में बट नॉन ऑक्यूपेंसी ऑलवेज किल्स अस ऑक्यूपेंसी नेवर किल्स यू तो मेरा ये कहना है कि ज़ीरो से बेटर हीरो है आप जब भी आप ज़ीरो जीरो के बारे में सोचते हैं तो आपको जीरो के बदले समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग तो इसमें मेरा ये कहना है रूम नाइट रूमनाइट रूम नाइट एक्सचेंज शुरू करिए एक छोटा एक्सचेंज शुरू करिए हम आपके साथ एक मेल पे कंफर्मेशन मेल कई लोग पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट सिंपल बहुत ही सिंपल रखा है हमने सिंपल आपको एक मेल डालनी है और आपने एक मेल डालनी है कंफर्मेशन के लिए मैं कल से गैस भेजने शुरू कर दूंगा जितने गैस हाँ पहले लूंगा फिर दूंगा मैंने कल गैस भेजने शुरू करे आपने रिडम्पशन करनी शुरू कर दी जितनी रिडम्पशन आपने मेरे को रूम राइट दी है उतनी रूम रूमलाइट मेरे से कल से लेनी शुरू कर लीजिए नो क्वेश्चन आस्ट जैसी आप लेनी शुरू करेंगे हम रिडीम कर देंगे हाँ नो नो डाउट अनसोल्ड वर्सेज अनसोल्ड है पीक टाइम पर ना मैं आपसे मांग रहा हूँ ना वो दे रहा है हाँ उसका खाली है तो वो भी देगा और आपका खाली है तो आप भी देंगे तो बेसिकली सिस्टम इज़ वेरी ब्यूटिफुल हम इसमें कैसे कमाते हैं हम कहाँ से आज की रेट में इसमें पैसा कमा रहे हैं हमारा सिर्फ एक्सचेंज कमीशन होता है दैट इज़ फाइव परसेंट फ्रॉम बहुत साइड्स हमारा कोई मैनिपुलेशन नहीं है कोई टाका नहीं है जो भी रेट आएगा जो भी आपका जब आप देंगे तब आपको कमीशन नहीं देनी जब आप लेंगे तो आपको बेसिकली पेटीएम करना है मुझे फाइव परसेंट ऑफ द रूम तीन रूम नाइट ली टोटल अमाउंट तीन इंटू नौ हज़ार बना नौ हज़ार या दस हज़ार उसका फाइव परसेंट फाइव परसेंट आप पेटीएम करेंगे साथ साथ मैं आपको ऑक्यूपेंसी बुकिंग के साथ मैं आपसे लूँगा बुकिंग नहीं मिल रही मैं आपको नहीं नहीं मांगूंगा तो दैट इज द सिस्टम वट वी ऑपरेट मैं चाहूँगा आप स्टार्ट करें कई लोग मुझसे पूछते हैं एट प्रेजेंट आपके पास कितने होटल्स हैं मैं उसका भी जवाब आज इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ आपने मुझे एक होटल दिया तो मैं आपको तीन होटल दूंगा स्टार्ट में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि रिडम्पशन में कई लोग आई ब्रो ऊपर कर देते हैं टायप कर लेते हैं बट वहाँ हॉस्पिटलिटी के लिए जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो उनके साथ भेदभाव करते हैं कि ये कैश कस्टमर है ये बाटर टाइप है इस टाइप का अगर आप सोच रहे हैं या आपके दिमाग में तो इससे बेटर आप ना करें क्योंकि वो आपके लिए भी नेगेटिव रहेगा मेरे लिए भी नेगेटिव हाँ कई होटल्स ओनर्स ने आप किसी गेस्ट को भेजिए वहाँ पता ही नहीं चलेगा आपको नीचे स्टाफ को पता ही नहीं है कि कौन बाटर है क्यों क्योंकि किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है उन्होंने सेम सिस्टम दिया एंड इतने अच्छे फीडबैक्स हैं उससे क्या हुआ उसकी और पॉपुलरिटी हुई और फीडबैक्स आने शुरू हुए उसकी सेल्स बढ़ गई आज नाना करते मेरा फूड फूड का मैं कम से कम एक होटल को महीने का पचास हज़ार से लाख रुपए का बिजनेस दे रहा हूं तो आप सोचो फूड फूड एक्स्ट्रा बेड एंड फूड उससे उसे ब्रीदिंग स्पेस आ गया उसका उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया क्योंकि जब खाली रहता है तो उडर तो डेड्स है और जैसे उसको साइड में उसको दिखा और उससे उसकी बैंक्यूटिंग भी चल पड़ी उसी का फीडबैक है कि सर आपकी उससे मेरे को बैंकूटिंग के ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए छोटी मोटी पार्टीज के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए तो दिस इज द गुड फीडबैक वॉट वी आर गेटिंग डेफिनेटली वो जीरो जो था उससे तो बेटर था क्योंकि जीरो में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा जीरो के बदले समथिंग तो लो कई लोग पूछते हैं ऑन बोर्ड कैसे हों तो ऑन बोर्ड का बहुत सिंपल प्रोसेस है कई लोग पूछते हैं सर ऑन बोर्ड करने के लिए कोई फीस तो नहीं है कोई चार्जेस तो नहीं है नो डाउट वी टेक चार्जेस बट वी चार्ज टेक चार्जेस इन बाटर क्योंकि हम बाटर कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम कैश में कोई चार्जेस नहीं लेते जब भी आप मेल डालेंगे तो टेन रूम नाइट्स टेन रूम नाइट्स आज द कॉस्ट ऑफ ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड आने की कॉस्ट है टेन रूम नाइट्स दस रूम नाइट का हम आपको कोई एक्सचेंज का कुछ भी नहीं देंगे वो दस रूम नाइट आपकी आपकी एक्सचेंज एक तरह से आपकी साइनअप कॉस्ट है वो साइनअप कॉस्ट हम उसके बाद की रूम नाइट हम कैलकुलेट करनी शुरू करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दस रूम नाइट आपकी चाहे दो हज़ार रुपये रूम नाइट हो ढाई हजार हो चाहे तीन हज़ार हो चाहे चार हज़ार हो एक तरह से हमने काइंड में लिए हैं हमने कैश कोई चार्ज नहीं किया उससे क्या होता है कि डेफिनेटली जो हमारी टीम्स हैं उसका जो हम भी विजिट कर रहे हैं वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाती है मान लो मैं दो दिन रहा तो वो भी कैलकुलेट हो जाती है एक तरह से हम ये नहीं है कि वो दो रूम नाइट कैलकुलेट नहीं कर रहे अगर हमने दो या चार नाइट ली है तो वो भी उसमें कैलकुलेट होकर माइनस हो जाती है तो ये नहीं है हर चीज़ का हिसाब है बट दस नाइट ही क्यों उसका रीज़न है कि कई बार आप ब्रोकर के थ्रू आ रहे हैं किसी चैनल के थ्रू आ रहे हैं कई बार आप हमारे थ्रू आ रहे हैं टीम दो तीन बार ट्रैवल करती है कोई वीडियो शूट हो रहा है और एक बार प्रॉपर्टी को शूट कर लेते हैं सो so आपके पास भी अच्छी वीडियोस होंगी बट डेफिनेटली एक हमारी तरफ से एक तरह से जब मार्केटिंग वाउचर्स बनते हैं तो डेफिनेटली मार्केटिंग वाउचर्स का मतलब हम जब भी आपका टाइप होता है रिडम्पशन के लिए हम अपने वाउचर खुद प्रिंट करते हैं और सर्कुलर करते हैं वाटरमेट तो सो डैट वी विल गेट मोर इडम वी विल गेट मोर फुटफॉल फॉर योर होटल तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सप्लोर करें अगर आपने अपने अब तक इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है तो अनसोल्ड रूम नाइट इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट एंड सुपर बेस्ट फॉर यू क्योंकि आज वो जो जीरो हो है उसको इमीजिएटली पहले आप खत्म करिए क्योंकि ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट लोगों की फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट तक अनसोल्ड है अभी आज की डेट में तो इसके लिए आपके रेस्टोरेंट में कोई ऐसी जगह पड़ी हो आपके पास जो आप आज की डेट में क्योंकि काफ़ी होटल्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक ऑफर और दूंगा कोई भी एरिया आपके पास ऐसा है जो होटल के अंदर अनयूटिलाइज है कोवर्किंग यूज़ करना है कोई ब्रांड लेके आना है या कोई रिटेलर लेके आना है वो भी आप हमें बताइए हम, हम कोवर्किंग ला सकते हैं हम रिटेलर दे सकते हैं आपको रेवेन्यू शेयर पर तो आपके पास कोई भी अनयूटिलाइज एरिया किसी भी फॉर्मेट में कहीं भी पड़ा है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ हैं उसके लिए टेन ग्रॉस सेल पर हम रिटेलर दे रहे हैं कोवर्किंग की हमारे वी आर द लार्जेस्ट चेन ऑफ डेली एन आर आप कहीं पे भी कोवर्किंग बनाने चाहिए कई लोगों ने बैंकविटिंग में कई लोगों ने होटल के रूम्स कन्वर्ट करके ऑफिस बनवाए हैं वो सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं वन टू वन बेसिस पे तो आप बेसिकली आप उसके लिए मुझसे अलग से बात कर सकते हैं आप अपने पिक्स गूगल लोकेशन सब शेयर करिए देन डेफिनेटली वी विल टेक इट फॉरवर्ड और आप एक बार जब भी डेली एन आर में हो हमसे पर्सनल लेवल पर आई इन्वाइट फॉर अ कप ऑफ टी विद मी आप जब भी यहाँ हों तो यू आर आवर गेस्ट आप आएँ बैठें और इस चीज़ को फिर आप आगे टेकअप करें एंड इसको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने कोलिग्स में जो भी आपके होटल के और भी ओनर्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं मैं इसके हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो आपकी समझ में नहीं हो शायद इसका ओपिनियन ले सकते हैं किसी और से तो आप उसको आप शेयर करिए क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं होटल्स में और खासकर इस टाइम पे क्योंकि पीछे काफ़ी दौर काफ़ी ख़राब गया है लॉकडाउन की वजह से या बकर खुल गया बंद हो गया इसकी वजह से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग